सीएजी की रिपोर्ट दे विच वड्डा खुलासा होया। पंजाब सरकार ने दस दिए कि 13,940 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। पिछले 7 महीनों दे विच एक कर्ज लिया गया 8,795 करोड़ रुपए पिछले कर्ज का ब्याज भरन ते खर्च होए ने। तो सरकार नू आबकारी पेट्रोल और GST तो भी आमदन घटी है। सरकार के दाव्यां दे बावजूद भी पंजाब की वित्तीय स्थिति डावाडोल हुई भी है। तो दस दिए कि हुण सीएजी की रिपोर्ट दे विच वड्डा खुलासा होया। पंजाब के वित्त मंत्री दे वल्लों सूबे दे वित्तीय स्थिति दे विच सुधार संबंधी किए जा रहे दावों के बावजूद पंजाब की आमदन दे विच गिरावट भी लगातार जारी है। अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया के मुताबिक अक्तूबर 2022 तक के प्राप्त जिहड़े होए सी अंकड़े जिहड़े प्राप्त होए सी राज सरकार के अंकड़ों के मुताबिक राज की आमदन के सारे मुख स्रोतों तो आमदन दे विच जिहड़ी कमी है वह रिकॉर्ड की गई है। इस दे उल्ट राज सरकार दे वल्लों अक्तूबर 2022 तक के 7 महीनों दौरान जिहड़ा कर्जा सीगा वह चुकया गया सी, जो कि मगरले साल अक्तूबर तक चुके गए कर्जे तो 2812 करोड़ रुपए वध है। तो इस तरह अक्तूबर 2022 तक राज दे वल्लों ब्याज के रूप के भी अदा किया गया सी, जो कि पिछले साल के नालों वध है। तो हुण सीएजी की रिपोर्ट के वड्डा खुलासा होया। सरकार नू आबकारी पेट्रोल ते GST तो भी आमदन घटी है। सरकार के दाव्यां दे बावजूद पंजाब की जिहड़ी वित्तीय स्थिति है वह डावाडोल हुई है। तो सीएजी की रिपोर्ट के वड्डा खुलासा होया। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते। नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।